हाल ही में बिहार के भागलपुर में एक ब्रिज कोलैप्स कर गया था, जिसे 1700 करोड़ के लागत से बनाया जा रहा था हरियाणा बेस्ड कंपनी द्वारा। यह पुल गंगा नदी के ऊपर बन रहा था, जो कि बिहार के भागलपुर को खगड़िया डिस्ट्रिक्ट से जोड़ने वाला था, और इसका फाउंडेशन 2014 में ही स्टार्ट कर दिया गया था। और बिहार गवर्नमेंट ने उस कंपनी से पूछा है कि हमें आपको ब्लैकलिस्ट क्यों नहीं करना चाहिए, उसका आप एक रीज़न दीजिए। इस ब्रिज को बनाने वाले इंजीनियर को भी सस्पेंड कर दिया गया है। यह ब्रिज पब्लिक के 1700 करोड़ रुपये यूज करके बनाया जा रहा था। इस पुल के स्ट्रक्चर में बहुत ही ज़्यादा डिफेक्ट और करप्शन भी मौजूद था, जो कि नहीं होना चाहिए था। हैरानी की बात यह है कि यह पुल दो दो बार गिरा है। पहली बार जब यह पुल गिरा था, तब यह बिहार के सुल्तानगंज के तरफ गिरा था, और आज बिहार के भागलपुर के खगड़िया डिस्ट्रिक्ट के तरफ यह गिरा है। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दीजिए, ताकि हमारे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सही समय पर पहुँचती रहे और आप हमारे वीडियो में दी गई जानकारी का लाभ उठा सको।